बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अम्मी का दस्तरखान। आज ही हम हाजिर हैं एक और नई एपिसोड के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्सिकन की डिज़र्ट चूरोस। चूड़ियों से याद रखो यार, चूरोस। बड़ी मज़े की रेसिपी है, सॉफ्ट सी है, चॉकलेट सॉस के साथ बनने वाली है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। ओके, ये है मेरे पास इंग्रेडिएंट्स, तो बड़े सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप ये देख लो। ये है मेरे पास 150 ml वाटर, 2 अंडे, ताज़ा अंडे, फ्रिज के निकले हुए अंडे थे ये, और 110 ग्राम ऑल पर्पज़ फ्लावर मतलब कि मैदा, ठीक है। और जी ये है मेरे पास बटर, 40 ग्राम्स अनसॉल्टेड था। ये है 20 ग्राम शुगर, वाइट शुगर। सबसे पहले जी चूल्हा ऑन किया है और इस पैन के अंदर मैं डालूंगी पानी मीडियम आंच पे रखना है आपने। फिर जाएगा जी बटर, अनसॉल्टेड बटर, ठीक है, नमक वाला बटर ना चुक लेना तुसी। ते ये जाएगा अंदर मैदा, मैदा भी चला गया। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा गाढ़ा होता जाएगा, थोड़ा सा हार्ड होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, तो ऐसी पेस्ट बन जाएगी। अब इसको अच्छे से आपने स्टर करना है, और इतना अच्छा स्टर करना है कि लम्ब्स ना बन जाए, मतलब ये गुटलियाँ ना रह जाएगी। और चेक कर लेना ना, तो गुटलियाँ बन गई ना तो तड़ा कम खराब। तो लो जी, ऐसे आपने इसको अच्छे से हिलाना है, ठीक है, ताकि साइड्स ना चिपके। अब जी इसमें शुगर भी डल गई, एवरीथिंग इज ऑन, ठीक है। अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया, बिल्कुल हलवे की तरह लग रहा है। अब हलवा समझ के इसको ऐसे ही ना खा जाना, इसको पकाना, मैंने फ्राई करना है। पता चले तुसी अंजी खा लिया। अच्छा, इसको मैं डालूंगी एक बोल के अंदर, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और इसके अंदर मैं एग्स मिक्स करूंगी, राइट। लो जी, इस तरह जी मैंने फैला लिया, और अब जाएगा इसके अंदर, एक एक अंडा तोड़ के डालूंगी, राइट, वन बाय वन। अगर इकट्ठे डाल दिए ना तो ये तो गुई हो जाएगा बिल्कुल। लो जी, पहला अंडा गया अंदर, देन मिक्स इट, ऐसे काटना, अच्छा आहिस्ता आहिस्ता करके इसको फोल्ड करना है अंडे को अंदर। लो ऐसे, और ये देखो कितना अच्छा से मिक्स हो गया। एकदम ही हाथ नहीं चला देना, पता चले कि ऐसे जैसे मिक्सर चला रहे हो, वो कभी भी मिक्स नहीं होगा, ओके। इसके बाद अब इसी तरह ही फैला लेना और फिर दूसरा अंडा डालना। अब इसको भी ऐसे ही काटना, और काट के इसको ऐसे ही फोल्ड कर, एकदम दो अंडे नहीं डालने, दोबारा याद कर लो, पेपर पे लिख लो, राइट। ओके जी, ये देखो जी कितने अच्छे से मिक्स हो गया। अब है जी, ये है मेरे पास बटर पेपर, और ये है मेरे पास आइसिंग वाली, आइसिंग पाइंग बैग्स। अब ये मिक्सचर जाएगा पाइपिंग बैग के अंदर, और इसके अंदर मैंने नोजल वो फिट की हुई है जो कि इसका स्पेसिफिक एक शेप देगी, राइट। ये मिक्सचर मैं इसमें डालूंगी, नीचे बटर पेपर मैंने रखा हुआ है। अब ये देखो, इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में लेकर आओ और एंड से इसको काट दो बिल्कुल ना। यार वो बचपन में मिलते थे, मुझे इनको देख के याद आ गया, वो करेले पापड़ नहीं होते, इफ़ यू गाइज नो दैट, पाकिस्तान में मिलते होते थे, उसके ऊपर हम ना चाट मसाला डाल के खाते होते थे, बहुत मज़े का लगता था। इसी तरह की शेप लग रही है, लेकिन दिस इज़ नॉट पापड़। अब मैं इसको फ्रायर में डालूंगी। ये पेपर से नहीं जाएगा फ्रायर में। अब ये ना कहना कि जी भाजी ने अंदर पेपर भी अंदर पाता, बाद में आराम से पेपर निकल आएगा, ठीक है। ओके जी, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स
लाइक आप इसकी साइड्स उल्टो पलटो ताकि इक्वल कलर आ जाए. सो नाइस. लो ये हो गए जी रेडी चूरोस. नाम बड़ा अजीब सा है बट वलैती चीज़ें खानी है तो नाम भी तो ऐसे ही होगा. अच्छा जी इनको मैं निकाल रही हूँ. बड़े सॉफ्ट हैं अंदर से और बहुत ही अच्छे बने थे. अब मैं इसके बाद बनाऊंगी चॉकलेट सॉस. आई नो अब चॉकलेट सॉस बनाने के लिए है मेरे पास चॉकलेट चिप्स जो के हैं 115 ग्राम्स, मिल्क 120 एंड शुगर इज 25 ग्राम्स. सबसे पहले पैन में जाएंगे चॉकलेट चिप्स. अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स नहीं है तो आप चॉकलेट भी डाल सकते हो, कोई भी चॉकलेट ले लो तो डाल सकते हो. ठीक है मेक श्योर बिस्किट नहीं होना चाहिए अंदर. राइट फिर जाएगा दूध और जाएगी चीनी. अच्छे से इसको मिक्स कर लो. अब ये पतला है. द थिंग इज अब ये पतला है तो इसके अंदर अभी मैंने चीनी डाली है, पहले मैंने बता दिया था. ओके मिक्स कर लिया अच्छे से. अभी अब ये थोड़ा सा ना ये पतला है इसको मैंने गाढ़ा करना है. यार कॉर्न स्टार्च लो एक चम्मच, इसके अंदर डालो पानी और ये ठंडा पानी डालना, गर्म ना डालना लम्स बढ़ जाएंगे. ओके और ये इसको आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर डालते जाओ. राइट और ये गाढ़ा हो जाता है होता जाएगा ना और ये सॉस बनती जाएगी. और जी हमारी हीरो सॉस रेडी है और हमारे चूरस भी रेडी हैं. एक एक करके उठाओ और चॉकलेट के अंदर डाल के मज़े से खाओ. बच्चे बड़े इन्जॉय करते हैं यार, आप भी करना. आई नो देख के बातें करोगे कैसी कैसी शेप है बट अपार्ट फ्रॉम द जोक ट्राई इट. और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लव यू ऑल. हमारा इंस्टाग्राम के चैनल भी है अम्मी का दस्तखान, उसको फॉलो करना ना भूलें. सो मैं लेती हूँ इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.